दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोज़ ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तल पड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू मवानी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपडे को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू मवनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों, इस मूवी को आपको इन्जॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू मवानी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रॉटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपडे को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रॉटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू मवनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपडे को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू मवानी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू मवानी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रॉटन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपडे को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू मवनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रॉटेन टोमेटोज़ ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू मवानी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपडे को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू मवानी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रॉटन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपडे को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों, इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू मवानी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोज़ ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने, धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपडे को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वांटेड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांटेड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 18 सितंबर 2009 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी वांटेड, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रभु देवा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 6.6 की रेटिंग दी गई है। और दोस्तों रॉटन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 66% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 27 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रभु, महक चहल, प्रकाश राज, महेश मांजरेकर, विनोद खन्ना, इंद्र कुमार, मनोज पहवा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को दोस्तों आप G5 के ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। इस मूवी का प्रीमियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फिल्म की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी राधे सलमान खान से शुरू होती है, जो गली का एक मामूली सा गुंडा है और पैसों के लिए लोगों को डराने धमकाने और मारने का काम करता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानवी आयशा टाकिया से होती है। पहली मुलाकात में राधे उसे एक लफंगा लगता है। एक रात इंस्पेक्टर तलपड़े महेश मांजरेकर जानवी को रास्ते में रोक लेता है। उसी दौरान राधे भी वहीं होता है और वो इंस्पेक्टर का ध्यान उसकी ओर कर लेता है और जानवी को जाने का इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बार मुलाकात होती है। जानवी उससे प्यार करने लगती है और उसे गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा इंसान बनने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर तलपड़े को किसी तरह जानवी के घर का पता चल जाता है। वो उसकी माँ लक्ष्मी प्रतीक्षा लोकर के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने जानवी की शादी उससे नहीं कराई तो वो उसके साथ बलात्कार करेगा। जानवी के मकान मालिक से उसे पता चलता है कि जानवी का एक प्रेमी भी है। वो राधे के पास जाकर उसे किसी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है और उसके जेब में नशीली दवा रख देता है, पर राधे उसी के खेल को उल्टा कर देता है और उसी के जेब में नशीली दवा निकालकर उसे दिखा देता है। गनी भाई प्रकाश राज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन है, वो अपने गैंग को भारत के बाहर रहकर चलाता रहता है। गोविंद भाई असीम मर्चेंट उसके मुंबई में स्थित गैंग का लीडर है। मुंबई में उसके गैंग के अलावा एक भी और गैंग दत्ता पावले राजू महोनी का होता है। वे दोनों मुंबई के दो सबसे बड़े गैंग हैं। इन दोनों गैंगों के और इनके बीच की आपसी दुश्मनी के कारण भी मुंबई में काफ़ी अपराध होते रहते हैं। इसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अशरफ तौफीक खान गोविंद नामदेव पूरी तरह से अपराध मिटाने का फैसला करता है। इसी बीच जब गनी भाई भारत आता है तो अशरफ उसे पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़े से नाव में उसे बंदी बनाकर रख लेता है और पूछताछ करता रहता है। गनी भाई से गिरफ्तारी की खबर उनके गैंग को लगती है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पता चलाते हैं कि गनी भाई गिरफ्तार ही नहीं हुए। बाद में किसी तरह उन्हें पता चलता है कि गनी भाई अशरफ ने किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रखा है। वे लोग उसकी बेटी का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने गनी भाई को नहीं छोड़ा तो वो उसे वीडियो को सारे शहर में फैला देंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर। और दोस्तों इस मूवी को आपको एंजॉय करने के लिए G5 ऐप का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करना होगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।